जिले के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में 9 दिसंबर को जनपद में राष्ट्रपति के संभावित आगमन के तैयारियों की समीक्षा की गई। इस मौके पर जिलाधिकारी से संबंधित अधिकारियों ने 30 नवंबर तक निर्माणाधीन सभी कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए और चेतावनी देते हुए कहा कि कार्यों में शिथिलता बरतने वाले संबंधित निर्माण एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। डीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत चयनित ग्रामों में कैंप लगाकर पेंशन सहित समस्त शासकीय योजना से पात्र लाभार्थियों को आच्छादित किया जाए। इसके अलावा जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य, शिक्षा, शुद्ध पेयजल, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना सहित शासन के विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की तथा उसे गुणवत्ता पूर्वक समयानुसार पूरा करने के निर्देश दिए। सूची का लोकार्पण उत्तरनिया सर सूची माना जा रहा था, 700 रुपए लोकार्पण का था। लोकार्पण का सूची हम लोग उसको भेज चुके हैं सार्जन को, उन्हीं में इसी का एक्सपेक्ट करते हैं ताकि उसी दिन 2-3 कार्यक्रम का पक्का है जिसमें एलेक्सी बिल्डिंग का लोकार्पण होगा। फिर रात को 9 तारीख को रुकेंगे, फिर 10 तारीख जाएंगे। इस पर जो काम है हम लोग शासन को भेज चुके हैं, इसको तो किसी भी सूरत पे 9 तारीख तक पहले खत्म होना चाहिए था। फटाफट काम नबार्ड 17 योजना पोर्ट मार्ग लोक निर्माण विभाग 28 करोड़ का काम करेंगे। 30 नवंबर तक हो जाएगा। 30 नवंबर तक बीआई मेडिकल कॉलेज में 50 से 70 की ही मैरिड छात्रवास किसी को यूपी सिटको का था, अब वो लिफ्ट रह गया था। चाहे लिफ्ट बाकी लिफ्ट बाकी है, 4 महीने लिफ्ट बाकी तो बता रहे मुझे आ गया लग जाएगा, बाकी फर्नीचर हो गया तुम्हारा, बाकी फ्लोरिंग कुछ बाकी था, सेटिंग टाइप बनाना रह गया था, हो गया बाकी सारे पानी का और बिजली का व्यवस्था। महिला चिकित्सा आपकी मेरा ये तो बन गया है, बाहर से दिख रहा है।